माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कोई ना कोई नवाचार उन्होंने करते हैं। 2022 में अक्टूबर महीने में से रोजगार मेला शुरू हुआ है। आज 12 रोजगार मेला में हम लोग तो रोजगार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए जो संकल्प है, आज 1 लाख से ऊपर भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। एक अद्भुत अनुभूति है जो कम समय में कैसे जॉब मिलना है, प्रक्रिया को इजी करना है और कोई भी व्यक्ति कोई भी पात्र उस रोजगार को एसिप कर सकते हैं। तो जो उसके अलावा जिसको जॉब मिलेगा उसको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना, कैसे उसको जॉब को आगे लेके जाना, कैसे उसको दायित्व निर्वहन करना, उसके लिए कर्मयोगी पोर्टल का भी पहले उद्घाटन किया है। उसके अलावा आज एक नया नवाचार मोदी जी ने किया है जिसके लिए कर्मयोगी पोर्टल के साथ साथ ही वहां पे एक कर्मयोगी भवन का भी आधारशिला रखा गया है। वहां पे जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, आगे चल के देश को सेवा कैसे दे सकते उसका पराव वहां से वो कर सकते हैं। सबसे अद्भुत है जो लोगों को रोजगार मिला है, नियुक्ति मिला है आज, उसमें 46 नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है जिसमें 43 हमारे स्टेट के बच्चे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक का नियुक्ति पत्र आज मिला है हमारे स्टेट में। और पूरे देश में करीब करीब 9000 के करीब एकलव्य विद्यालय जो जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए जो हमारी टीचर है आज वहां पे बड़ी संख्या में टीचर का भी भर्ती हुआ है। तो आज इसे अद्भुत एक अनुभूति है। नया लोगों को जो नियुक्ति मिला है पिछले कुछ दिनों में, सब लोगों ने 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए जो काम है उसको करने का अवसर उन लोगों को मिलेगा, अपने जगह में एस्टेब्लिश होना और देश को भी निर्माण करने के लिए एक शुभ अवसर उन लोगों को दिया गया है। सबको मैं अभिनंदन करती हूँ।